फिल्म जगत की लेटेस्ट ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। लता जी का ये हुआ कि चूंकि सर्जिंदा ये सब एक लेवल के थे, तो कभी भी बात होती थी तो मेरा ख्याल हर आदमी की डिजायर जो सॉन्ग राइटर होगा या जो भी था, मतलब वो लता जी है कि लता जी गाएं, फर्स्ट चॉइस मतलब लता जी। तो दादा बोलते थे कि कम बजट गए तो पैसे की बात नहीं करने जाते थे, मैं हमेशा दीदी के यहाँ जाता था, तो दीदी के यहाँ मेरा घर जैसे ही था। आशा जी, लता जी, मीना जी, उषा जी, फिर हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ मैंने फिल्म भी की। तो मतलब जितने लोग उस टाइम पे थे, मैं जैसे आज के सिंगर्स को देखता हूँ, मुझे ज़मीन आसमान का अंतर लगता है। और मैं आपको सच बोलता हूँ, ये मतलब लाइन में हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे वो हाइट, ठीक है आज सब लोग प्रोफेशनल हो गए, चल रहा है ना अपना, चलने दो बस, ये है। पहले ऐसा नहीं था, पहले किस तरह रिहर्सल होती थी, अभी जो न्यू टेक्निक आई है ये साउंड के हिसाब से बहुत अच्छी होगी, मतलब आदमी को तरक्की करे, उन्नति करे तो अच्छी बात, मगर उस टाइम पे जो गानों का मजा आता था, मतलब 11 बजे मैं पहुंचूंगा स्टूडियो, 11 बजे लता जी आएंगी या रफी साहब, जो भी सिंगर होते थे, मन्ना दा, किशोर दा, और 1:30 बजे हमारा गाना खत्म हो जाता था, और फिर हम वो कैसेट देते थे अपना और वो करके और शाम को आके अपना गाना सुनते। बीच में टी सीरीज में मैंने कुछ वर्क किया, तो एक साथ तक मुझे ये अपना क्या नाम है अनुराधा पोडवाल जी, मेरी मुलाकात ही नहीं थी, एक साल के बाद वो गाने कब डब करके गई मुझे मालूम। अभी मैं जिन दिनों ये सीरियल कर रहा था तो कविता जी मुझे कहीं मिली बाहर, तो बोली योगेश जी मुझे, मैंने पूछा ये लिरिक किसने लिखा है, तो पता लगा कि आपने लिखा है, तो मैंने बोला मैं आपको कैसे बधाई दूँ। फिर बता रही थी कि पहले क्या ज़माना था ना, हमारे म्यूजिशंस हैं एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, आज इतने साल से इस लाइन में हैं, आज के म्यूजिशियन हैं वो कुछ पुराने छोड़ दीजिए नहीं तो कोई पहचानता नहीं, ऐसा हो गया। हमारी यहाँ